रहे थे आपके द्वारा और सीनियर अधिवक्ता विकास सिंह के द्वारा जो बहस किया जा रहा था उस समय अरुण मिश्रा जी के बातों को आपने कैसे बताया और सारे बिहार के जो जे एन के बीएड के कैंडिडेट उनको रिलीफ दिलाया उसके बारे में मेरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हुआ कि स्टेट ऑफ बिहार ने एफिडेविट डाला लेकिन उन्होंने जानबूझ के क्या किया, एफिडेविट 405 स्टूडेंट्स का डाला जिनकी सीट रिजर्व थी लेकिन जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे चुके थे, जैसे कि पेटिशनर थे हमारे केस में 65 और कैंडिडेट्स थे जिनकी सीट रिजर्व भी थी और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था, उनको जानबूझ के उससे एक्सक्लूड कर दिया। तो इसलिए आज की हेयरिंग में ये जरूरी था कि ना सिर्फ उन 405 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिले बट जो 65 और स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया उनको भी रिलीफ मिले। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि 405 स्टूडेंट्स जिनकी सीट रिजर्व थी और जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला और जिन जिनको अपॉइंटमेंट भी मिल गया है उनको भी सबको रिलीफ मिलेगा। पेटिशनर को अलाउ कर दिया सबको अलाउ, सारे पेटिशनर नहीं जितने भी 470 स्टूडेंट थे सिमिलरली प्लेस एक्स्ट्रा भी जिन्होंने एसएसबी भी नहीं डाली सबको अलाउ सबको रिलीफ मिले। जो पेटिशनर नहीं थे उनको भी अलाउ कर दिया गया, जो पेटिशनर थे उसको भी अलाउ कर दिया गया। और ये आदित्य सर इस केस में इन्होंने ही जान डाला था और सारी ड्राफ्टिंग से लेके और जितना भी पॉइंट्स था और ब्रीफ करना विकास सिंह सर को इन्हीं का देन है और आज इन्हीं के बदौलत हम लोग जीते हैं इस केस को। जम्मू कश्मीर बीएड वैलिड हुआ और जम्मू कश्मीर से बीएड करने वाले सारे विद्यार्थियों का कल्याण हो गया जो वहां जॉब करेंगे और शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मैं सर को धन्यवाद दिल से देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे सर जो है ये बहुत वरीय अधिवक्ता बनेंगे।